हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नपूर्णा। मैं हूँ देवारती। तो अभी हम कंटेनमेंट जोन में हैं, जैसे कि मैं मेरी पहली वाली वीडियो पे बता रही थी कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं अभी। तो हम लोगों ने बिग बास्केट में ट्राई किया तो वहाँ पे भी ऑल स्लॉट्स फुल थे। फाइनली जाके हमें बिग बास्केट से हम ऑर्डर कर पाए और आज हमारे चीज़ें डिलीवर होने वाले हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम वो चीज़ें घर पर लाने के बाद कैसे लाते हैं, मतलब कैसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उनसे और फिर हम कैसे उसको हैंडल करते हैं कोरोना वायरस के सिचुएशन में। और ऐसी ही सिचुएशन में हम लोग, हमारे तो घर पे छोटा बच्चा है तो हम बाहर खाने से बहुत डरते हैं। तो मैं आज एक ऐसी चिकन ड्रमस्टिक की रेसिपी दिखाऊंगी जिसमें आप, जिसको देखकर आपको लगेगा कि आपको रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी आप घर पर हो तो आप बहुत कम एक्सरसाइजेस कर पाते हो, आप वॉक नहीं कर पाते हो, घर पर ही हो सारे दिन, तो आपको हेल्दी भी खाना है। सो आप ज़्यादा फैटी प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। एंड अभी तो क्या है, 30 अबव एज का मतलब ही हर कोई पकड़ लेता है कि कोलेस्ट्रॉल तो होगा ही। तो लो फैट भी बनाना है हमें और टेस्टी तो बनाना ही है। सो मैं ये जो रेसिपी दिखाऊंगी आपको, ये रेसिपी में मैं किसी भी प्रकार की कैश्यू पेस्ट, दैट इज़ इन बंगाली काजू बाटा, और कंडेंस्ड मिल्क, फ्रेश क्रीम, ये कुछ भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। बस 2 टेबलस्पून ऑयल में मैं ये पूरा कुकिंग कंप्लीट करूँगी और कोई भी एक्स्ट्रा फैटेनिंग एजेंट मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। सो इट्स क्वाइट हेल्दी, पर ये थोड़ा सा मसालेदार ज़रूर है। सो जिन जिन को थोड़ा गैस या फिर एसिडिटी की समस्या है, सो वो जो मसाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसको थोड़ा अमाउंट में कम करके इस्तेमाल कर सकता है, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है, आप घर पे बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको चिकन ड्रमस्टिक की कट ही चाहिए, आप करी कट, सिंपल चिकन की जो कट्स होती है फ्रेश चिकन की, उस कट की चिकन से भी आप ये बना सकते हो। और मेरी रेसिपी का नाम है अचारी चिकन ड्रमस्टिक, कम्प्लीटली माय रेसिपी, डिस्कवर्ड माय मी। सो आई एम गोना शो यू। और आप मेरी ये वीडियो कम्प्लीटली, पूरा का पूरा वीडियो देखना, और नीचे राइट साइड पे एक सब्सक्राइब बटन है रेड, उसको दबाना। इससे आप मेरी वीडियोस देख पाओगे, मेरी चैनल से कनेक्टेड रहोगे। और उस रेड बटन के पास एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा के रखो। इससे क्या होगा कि आप मेरी वीडियो, मैं YouTube में डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, सो आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाओगे। सो डू दिस, और ये आप घर पर ज़रूर ट्राई करो। ट्राई करके मुझे बताओ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। वैसे भी मैं आज तक जितनी भी वीडियोज़ में कुकिंग रिलेटेड वीडियोज़ डाली हूँ, रेसिपीज़ डाली हूँ डिफरेंट, उसमें एक चीज़ तो कांस्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत कम ऑयल इस्तेमाल करती हूँ और बीइंग अ मॉम मैं ट्राई करती हूँ कि हर खाना कम, मतलब हेल्दी ज़्यादा हो। इसको आप फास्ट फूड से कंपेयर कर सकते हो बस अपीयरेंस में, पर इसकी न्यूट्रिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी इस कुछ भी चीज़ में आप फास्ट फूड से कंपेयर नहीं कर सकते हो इसको। सो इट्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सो मैं ऐसी ही रेसिपी देना चाहूँगी, और माय चैनल इज़ टारगेटेड टुवर्ड्स दोज रेसिपीज, लाइफ ऑफ अ मॉम। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स गो, कम ऑन।
Shapo, Shapo. How was the chicken? Hello. Chicken rub steak. Haan. A chari chicken rub steak. It was really awesome. मैंने कहीं जगह पे कोलकाता में खाया है ऐसे चीज, ऐसे ड्रमस्टिक नहीं मतलब क्या बताऊं? उससे कहीं गुना बेहतर है ये। आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिए और मैं बताऊंगा कि ये प्लीज जितना भी लाइक इसमें वीडियो में आएगा उतनी बार ये बनानी पड़ेगी। मुझे फंसा रहा है, मुझे फंसा रहा है। इतनी अच्छी कुक हो तो कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है। हर रोज नया नया एक्सपेरिमेंट्स और ईच एंड एवरी रेसिपी इज यूनिक। समझ में नहीं आ रहा ये मक्खन क्यों लगाया जा रहा है। नहीं, ये मक्खन नहीं है, दिस इज फैक्ट। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए घर में और कमेंट सेक्शन में प्लीज बोलिए कि ये कैसे बना रही है ताकि ये इम्प्रूव भी कर सके और भी अच्छा खा पाऊं मैं। थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।